G20 का दिव्य और भव्य आयोजन पूरी दुनिया ने देखा। भारत की अध्यक्षता में G20 की सफलता को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत ने डिक्लेरेशन में जिस तरह सहमति बनाई, उस कूटनीति की तारीफ की जा रही है। G20 के आयोजन से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा, लेकिन देश में G20 के आयोजन को लेकर सियासी घमासान है। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सोने चांदी की प्लेट में मेहमानों को खाना क्यों खिलाया गया, भारत मंडपम में पानी क्यों भर गया, गरीबों के घरों को क्यों छिपाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में न्योता क्यों नहीं दिया गया, दिल्ली में लॉकडाउन की तरह पाबंदियां क्यों लगा दी गई, मेहमानों का स्वागत ठीक तरीके से क्यों नहीं किया, उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, और अंत में विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इस शान शौकत से भरपूर G20 से हासिल क्या हुआ। दावा ये किया जा रहा है कि G20 के आयोजन में अनाप शनाप हिसाब से खर्च किया गया। कांग्रेस के दावे के मुताबिक पिछले साल इंडोनेशिया बाली में जो समिट हुई थी G20 की, उस दौरान सिर्फ 364 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं दिल्ली में इस साल जो बैठक हुई है G20 की, इस पर सरकार ने 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सरकार ने अपनी इमेज चमकाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा दिया है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार इनमें से कई दावों को खारिज कर रही है, कई दावों को भ्रामक बता रही है, उन्हें फर्जी करार दे रही है। यह भी कह रही है सरकार कि विपक्ष इस तरीके की बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश का मान बढ़ाने वाले आयोजनों पर राजनीति होनी चाहिए? जैसे G20 में अमेरिका और रूस के बीच एक सहमति बन गई, उसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस भी इन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को लेकर आखिर हाथ क्यों नहीं मिला लेती? तो आज शो में यही तमाम सवाल उठाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया। अपना अहंकार कम करो, इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश को आगे रखो। विश्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। नेता, बाहर के नेता, सभी ग्लोबल लीडर्स ये मानते हैं कि अगर मोदी जी ने कोई बात कही है तो उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। 3200 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनी है, 3200 करोड़, और एक नई बनी हुई बिल्डिंग के अंदर अगर पानी भर जाए तो आप उस इंजीनियर को, उन अफसरों को, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहेंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा नहीं साहब देखो पानी निकाल तो दिया, अरे भाई पानी भरा क्यों? इंटरनेशनल इवेंट है, वहाँ पर पानी भरना बहुत शर्म की बात है। और LG साहब कह रहे हैं मैं 50 बार इंस्पेक्शन कर चुका हूँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे देश की छवि खराब होती है। मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि ये अब तक का सबसे सफल G20 समिट था। नरेंद्र मोदी जी ने जो इतिहास रचा है वो मात्र इतिहास की किताबों के लिए नहीं बल्कि मानवता के इतिहास के लिए भी बहुत बड़ा कार्य हुआ है। देश को श्रेष्ठ बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी कोई भारत के हैं क्या? वो चारा चोर वाले आदमी हैं। भारत को तोड़ने का नेतृत्व लालू प्रसाद जी सब दिन करते रहे। अगर खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है, भारत एक है। खड़गे साहब को पिछली बार जब लाल किले बुलाया था और नहीं आ पाए थे, उन्होंने कहा कोई आंख वाँख में तकलीफ है, तो मैंने कहा था मेरे पास अच्छा आंख का डॉक्टर है, पर कहीं वो चले गए उस दिन किसी और कार्यक्रम में, तो लोगों ने कुछ और बोला। आई थिंक ये मिस्ड सम अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे लोग मिल जाते उनको, शायद वो अध्यक्षता करने की कांग्रेस पार्टी में उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिल जाती।
दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। आइए आपको परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों से। आज के शो में बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, हमारे साथ आरएलजीटी के महासचिव माधव आनंद आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।